जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अनबॉक्सिंग किए, तो एक्चुअली में ये है MI पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर, जो कि मतलब बहुत ही यूज़फुल है अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब अननोन जगह में जाते हैं और बाइक में ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ है। तो मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। एक अच्छा वाला एक नायलॉन का एक पाउच दिया हुआ है ये एयर कंप्रेसर को रखने के लिए, और इसके अंदर भी एक छोटा सा पॉकेट है जैसे कि देख सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये छोटा कुछ वाल्व दिया हुआ है जो हम लोगों का फुटबॉल वगैरह में एयर भरने के लिए। ऐसा कुछ दिख रहा है ये, तो इसको हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं, जो छोटा सा पॉकेट है इसमें इसमें रख सकते हैं। पर अभी हम लोग इसमें रख के इसके अंदर रख देते हैं। वेलक्रो भी लगा हुआ है इसमें। आराम से रहेगा। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये हम लोग का एक मतलब चार्जिंग केबल दिया गया है, जो कि USB-C टाइप नहीं है, पर नॉर्मल जैसे पहले आता था वैसा है। और ये हम लोग का आया इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर फ्रॉम MI। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी सही लग रहा है, और आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बल्की है, पर एक्चुअली में उतना वेट नहीं है, थोड़ा हल्का है, क्योंकि पोर्टेबिलिटी के हिसाब से ये लोग डिज़ाइन किए हैं। पर फिर भी देख सकते हैं थोड़ा वज़न तो लग रहा है, शायद इस 2000 mAh का बैटरी दिया गया है, और चार्जिंग पॉइंट ये है, चार्जिंग पॉइंट ऐसे ही करेंगे, ये चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे वैसे कुछ वार्निंग वगैरह दिया गया है, बिफोर यूज दिस वन रीड द मैनुअल लाइक दैट। तो मैंने तो मैनुअल थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको खरीदते हैं तो पहली बार में आप यूज़ मत करिए इसको, पहले चार्ज में बिठा दीजिए, ठीक है, तो उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका ओपन करने का, यहाँ से ओपन होता है जो ये रेड सर्कल दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इसका 3 इंडिकेटर रहता है, अगर ये व्हाइट दिखाएगा तो फुल्ली चार्ज है, 100% चार्ज है, अगर ऑरेंज कलर का आता है तो शायद 75% चार्ज है, अगर रेड आ जाता है तो आपको इमिडिएटली चार्ज करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ है। और इसमें ये जो स्विच बटन है ये एक्चुअली में दिया हुआ है टॉर्च के लिए, देख सकते हैं टॉर्च, और रात में अगर आपका बाइक या कार पंचर हो जाएगा तो बहुत यूज़फुल होगा, टॉर्च जैसा काम करेगा। और ये बढ़ाने के लिए है प्लस माइनस, और ये हम लोग का मोड्स है, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए साइकिल का आता है, तो साइकिल का बाय डिफ़ॉल्ट 45 PSI है, और ये टू व्हीलर का है 2.4 bar में है, और कार का है 0.25 bar में। अब इसको क्योंकि हम लोग का मेनली PSI में रहता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर सपोज आप ये और फुटबॉल के लिए, और मुझे बाइक में हवा देना है और मैं ये बार में नहीं चाहता, मुझे PSI में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको दबा कर रखूँगा ऐसे, तो KPA में आया, फिर से दबा के रखूँगा PSI में आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टायर में मतलब जो बाइक में मतलब हवा कम लग रहा है कि हवा चेक करना चाहते हैं, अब इसको लगा सकते हैं, उसमें लगा देंगे तो ये इसमें कितना मतलब प्रेशर है वो इसमें डिस्प्ले कर देगा, तो उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं घटा भी सकते हैं उसके हिसाब से, अगर 33 देना है तो उसके बाद ये वाला प्रेस कर दीजिए, देखिए ऐसे काम करता है, कुछ नहीं, जितना देना हो अगर आप 33 मतलब प्रेस किए होंगे तो अगर 33 तक पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे तो ख़त्म। ऐसा कुछ दिख रहा है प्रोडक्ट, तो मुझे तो सही लगा, ये मेरा मतलब मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, मतलब अननोन जगह जाता हूँ कि जहाँ पे मतलब पेट्रोल पम्प भी नहीं रहते हैं, तो पंचर का दुकान तो दूर की बात है, तो वही चीज़ है, तो इसलिए मैं इसको लिया था, तो ये वाला तो सही दिख रहा है, और इसका लाइव मतलब गाड़ी में हवा देख के देखते हैं कि कैसा लग रहा है, चलिए आए देखते हैं। इसमें कौन मोच देख लो, कौन मोच कितना अच्छा।
तीस अच्छी नहीं ये और 22 थी लगभग। टाइटल देखे अंतरिक्ष अच्छा 33 ना।